नमस्कार। खबर 4 बजे देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और मेरठ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते चले। गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर एक्शन लिया गया है और 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां गौ तस्कर अकबर बंजारा की संपत्ति पर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक्शन और 2.5 करोड़ की 7 प्लॉट को जब्त की गई है। बताते चले आपको कि 7 प्लॉट और दुकानों को पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो पुलिस की यह कार्रवाई और 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी है। अजम पुलिस ने अकबर बंजारा को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया था और बहसुमा थाना पुलिस की परतापुर के बजोट में ये पूरी कार्रवाई हुई है। तो तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है। आपको बताते चले कि मेरठ जिले के रहने वाले इंटरनेशनल गोवंश तस्कर अकबर बंजारा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर किया था और अब संपत्तियों पर एक्शन लेते हुए पुलिस की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन ने संपत्ति कुर्क की है। 7 प्लॉट और दुकानों को जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ बताई जा रही है। तो कार्रवाई करते हुए पुलिस और तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है, किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ पुलिस कार्रवाई करने पहुंची और दुकानों को जब्त किया, 7 प्लॉट को जब्त किया और इन सब की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस पहले ही 20 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है और अभी भी ये कार्रवाई की जा रही है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो बताते चले आपको कि बहसुमा थाना पुलिस की परतापुर में बजोट में ये पूरी कार्रवाई हुई है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ से की ये खबर, जहां 2.5 करोड़ की संपत्ति और 7 प्लॉट और दुकानें जब्त की गई है और पुलिस ने पहले भी कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। मेरठ जिले के रहने वाले इंटरनेशनल गोवंश तस्कर अकबर बंजारा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था और लगातार उसके बाद से ही कार्रवाई की जा रही है। मेरठ पुलिस ने बंजारा परिवार की प्रतापपुर क्षेत्र में 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरफराज देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए अकबर बंजारा और उसके परिवार पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। आपको बताना चाहूंगा कि जो अकबर बंजारा है वो एक इंटरनेशनल गौ तस्कर है, जिसने करीब 300 करोड़ की संपत्ति जो है अर्जित की है, जिस पर पुलिस की नजर है। पुलिस ने अब तक इसमें 22 करोड़ के लगभग जो संपत्ति है वो कुर्क कर ली है। पुलिस को आगे भी इसमें और कार्रवाई करनी है। आज जो है एक बार फिर पुलिस जो कार्रवाई की है पुलिस ने, और परतापुर थाने के बजोट में जहाँ कई प्लॉट और जो बेशकीमती दुकानें थी उसको पुलिस ने जब्त करके कार्रवाई की, और पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाती रहेगी। आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ में बहसुमा, फलावदा और कई थानों में अकबर बंजारे के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज है, पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है। सरफराज देखिए ये कार्रवाई पुलिस ने की, उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, करीब 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। आगे पुलिस ने क्या और भी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है, आगे भी ये कार्रवाई की जाएगी? देखिए बिल्कुल, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि करीब 300 करोड़ की संपत्ति कुल जो है उसमें अभी सिर्फ 22 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। इसके बाद भी जो है जो अन्य संपत्ति है उनको चिन्हित करके निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी और उस पूरी जो संपत्ति है उसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जाती है। बाकी सरफराज जरा ये भी जानकारी आप देते चले कि क्या कोई बयान सामने आया अधिकारियों की तरफ से इस कार्रवाई पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि डीएम के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है और आज सिद्धार्थ और जो सीओ है सीओ भमपुरी और उसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे और उनका कहना है कि ये ऊपर से आदेश है और सही कार्रवाई आजादी की जाती रहेगी। और अकबर बंजारा क्योंकि असम में जो है मारा गया था अपने भाई के साथ में, उसके बाद में तो अन्य आरोपी उसका भाई था, तीसरा भाई वो भी फरार है, उसके परिवार के लोग तमाम लोग फरार है, लेकिन पुलिस को जो है इसमें कार्रवाई करनी। चलिए आगे भी देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज। खबरों में बढ़ेंगे आगे और गोरखपुर की बात, जहां गोरखपुर पुलिस ने एक बड़े भूमाफिया के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और भूमाफिया अभिषेक यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की है। बताते चले